हेलो फ्रेंड्स, आई एम ईश्वर सोनोरिया। वेलकम टू इंग्लिश टॉक। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको लगातार ये क्लास मिलती रहे। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। अक्सर आप ऐसे सेंटेंस बोलते होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ वे अच्छे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ तुम सफल हो जाओगे, मैं उम्मीद करता हूँ वह उत्तीर्ण हो जाएंगे, या फिर आप कहते होंगे दोस्तों, मुझे डर है वह फेल हो जाएगा, मुझे डर है कि मैं लेट हो जाऊंगा, मुझे डर है वह इस इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस को बोलना बड़ा आसान है, हमें ज़रूरत है बस केवल एक ट्रिक की। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, दो स्ट्रक्चर है हमारे पास, एक है आई होप और दूसरा है आई एम अफ्रेड। पहले हम बात करते हैं आई होप की। आई होप का अर्थ होता है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि, या मैं उम्मीद करता हूँ कि। यहाँ पर इस की के लिए हम जो वर्ड लेते हैं वो होता है दोस्तों दैट। अब दैट के बारे में ध्यान रखना है दोस्तों कि जब हिंदी में कहते हैं मैं आशा करता हूँ कि, तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं आई होप दैट। लेकिन स्पोकन लैंग्वेज में ध्यान रखना होगा, इस दैट का यूज़ नहीं किया जाएगा, आपको इसको बोलना नहीं है। आपको ये पता है कि यहाँ पर ये मौजूद रहेगा बट इट इज नॉट यूज इन स्पोकन फॉर्म, तो इस दैट का आपको यहाँ पर यूज नहीं करना है दोस्तों। देन अब मैं आशा करता हूँ तो यहाँ पर हमें कहना है आई होप। अब जैसे कि इस शब्द का अर्थ है आई होप यानी मैं आशा करता हूँ, यानी कि इसमें पॉजिटिव चीज़ों के लिए हम उम्मीद करते हैं। आशा या उम्मीद हम किस बात की करते हैं? सकारात्मक बातों की, पॉजिटिव चीज़ों की। तो ध्यान ये देना होगा कि आई होप के साथ में जुड़ने वाला जो सेंटेंस रहेगा वो पॉजिटिव थॉट वाला होना चाहिए, इस बात को ध्यान देना है। तो ऐसी बातें जो पॉजिटिव फीलिंग वाली होती हैं, पॉजिटिव मीनिंग वाली होती हैं, उन बातों को आपको आई होप के साथ जोड़ना है। जैसे मान लीजिए, यदि आपको कहना है मैं आशा करता हूँ कि तुम सफल हो जाओगे, तो हम इसको कहेंगे दोस्तों आई होप दैट। इसको हमें कहना होगा आई होप। अब यहाँ पर हमें दैट का यूज नहीं करना होगा, ये ध्यान देना होगा। सेंटेंस हमारा क्या होगा दोस्तों, आई होप यू विल गेट सक्सेस। मैं उम्मीद करता हूँ इंडिया मैच जीत जाएगा, आई होप इंडिया विल विन। मैं उम्मीद करता हूँ वे ये एग्जाम पास कर लेंगे, आई होप दे विल पास दिस एग्जाम। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए पॉजिटिव बातों को हम कनेक्ट कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ भारत बहुत जल्दी कोरोना वायरस को हरा देगा, आई होप वी विल डिफीट कोरोना वायरस वेरी सून। आई होप इंडिया विल डिफीट कोरोना वायरस वेरी सून। आई होप ही विल बी सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। आई होप यू विल गेट सक्सेस वेरी सून। आई होप यू विल बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। इसी प्रकार से दोस्तों बात करते हैं हम आई एम अफ्रेड की। अब यहां पर देखिए दोस्तों, आई एम अफ्रेड का अर्थ है मुझे डर है कि, मुझे भय है कि। तो हमें डर या भय किन चीजों के प्रति रहता है? कुछ ना कुछ नेगेटिव या नकारात्मक बातों का हमें डर रहता है। सो हमें आम अफ्रेड के साथ याद रखना होगा, सिर्फ नेगेटिव थॉट्स को ही आम अफ्रेड के साथ में हमें कनेक्ट करना होगा। यहाँ भी सेम वही रूल है दोस्तों, ये जो दैट वर्ड है इसको ना तो लिखा जाएगा और ना ही बोला जाएगा, लेकिन हाँ हमें मालूम है कि जो हम हिंदी में कहते हैं मुझे डर है कि, तो इस की के लिए इस दैट का यूज किया जाएगा, बट ये यहां से गायब रहेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अब दोस्तों हमें कहना है, मान लीजिए उदाहरण के लिए, मुझे डर है कि वह फेल हो जाएगा, सो आप कहेंगे आई एम अफ्रेड ही विल फेल। यानी आई एम अफ्रेड के साथ में किसी भी नेगेटिव फैक्ट वाली बात को, नेगेटिव थॉट वाली चीज को, नेगेटिव मीनिंग वाली बात को इसमें जोड़ना है। मुझे डर है कि वह फेल हो जाएगा, आई एम अफ्रेड ही विल फेल। मुझे डर है कि वह लेट हो जाएगी, आई एम अफ्रेड शी विल बी लेट। मुझे डर है कि उसे इस प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, आई एम अफ्रेड शी विल नॉट बी सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। मुझे डर है कि इंडिया ये मैच हार जाएगा, आई एम अफ्रेड इंडिया विल लूज दिस मैच। सो दोस्तों आपने देखा बड़ा आसान है। तो होप के साथ में याद रखना है पॉजिटिव सेंटेंस और अफ्रेड के साथ याद रखना है नेगेटिव सेंटेंस। एक उदाहरण लेते हैं दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि तुम सफल हो जाओगे, तो मैं कहूंगा आई होप यू विल गेट सक्सेस। और अगर कहना है मुझे डर है कि तुम फेल हो जाओगे, सो आई एम अफ्रेड यू विल फेल। सक्सेस हो जाएंगे पॉजिटिव है और फेल हो जाएंगे नेगेटिव है।
मुझे उम्मीद है कि भारत ये मैच जीत जाएगा, आई होप इंडिया विल विन दिस मैच, ये पॉजिटिव है। और मुझे डर है कि इंडिया मैच हार जाएगा, आई एम अफ्रेड इंडिया विल लूज दिस मैच। सो दोस्तों, आई होप के साथ में पॉजिटिव सेंटेंस और आई एम अफ्रेड के साथ नेगेटिव सेंटेंस जोड़ते रहिए। पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।